देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल एयर इन्फो मोबाइल रिपेयरिंग इंस्टीट्यूट। फ्रेंड आज भी इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ कि कोई भी डेट रिकवर कैसे किया जाता है, कोई भी जो मोबाइल आता है उसको डेट रिकवर कैसे किया जाता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सेट आया है वो क्या है कि ये डेट में है, अभी सेट क्या हो रहा है कि देखिए दिखाना चाहेंगे क्या हो रहा है कि जब भी इसे चार्ज लगाया जा रहा है तो देखिए कि इस तरह से दिखा रहा है चार्ज होने पर ये ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। तो इसमें क्या होता है प्रॉब्लम, बैटरी से भी प्रॉब्लम आती है, तो बैटरी से भी ये प्रॉब्लम को सोल्यूशन किया लेकिन ये प्रॉपर हो नहीं पाया। सॉफ्टवेयर भी करके देखा लेकिन नहीं हुआ। देखिए अभी क्या है, सेट है जो मतलब बूटिंग कंप्लीट नहीं करने की वजह से ये सेट है जो डेड है। देखिए अभी क्या होगा, इनेबल लिखेगा उसके बाद ऑटोमेटिक बंद हो जाता है और उसके बाद जो परसेंटेज दिखाना चाहिए बैटरी वो नहीं दिखा पा रहा है और जब ऑन किया जा रहा है तो ये प्रॉपर ऑन नहीं हो रहा है, ये बूटिंग है जो कंप्लीट नहीं हो रहा है। इसको आप फैक्ट्री रिसेट भी मार के हम देखें तो इसमें नहीं हो पाया। तो इसको आपके अगला क्या है स्टेप वो दिखाना चाहेंगे, क्या करना है इसमें, तो हम स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे कि कैसे आपको डेट को रिकवर करना है। मेरे पास अभी लेने वो K8 प्लस है और K8 नोट भी यही तरह आपको जिस तरह से K8 प्लस देखा जाता है उसी तरह से आपको डायग्नोस उसमें किया जाता है। तो देखिए अभी हम आपको दिखाएंगे, देखिए इस तरह से दिखाएगा उसके बाद ऑटोमेटिक क्या होगा बंद हो जाएगा। अभी दिखाना चाहेंगे ऑन करके भी आपको क्या होता है, देखिए भी होता है लेकिन ये प्रॉपर क्या होता है बंद होता है। आप देखिए क्या करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको इसको आपको खोल लेना है